हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ज्योग्राफी ऑफ क्लास सिक्स एंड द चैप्टर नेम इज ग्लोब लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। दिस इज द पार्ट टू वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू डिडंट वॉच द पार्ट वन वीडियो देन एट फर्स्ट वॉच द पार्ट वन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ओके, and you can get the part 1 video link in the comment box, or you can also get part 1 video from I button। okay, aap upar I button se part 1 video ko dekh sakte hain। clear hai? so at first aap part 1 video ko dekhen, then is video ko dekhen। clear hai? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हियर इज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। यू नो दैट पार्ट वन वीडियो में हम लोग लेटीट्यूड्स के बारे में स्टडी किए थे। हम लोग इम्पोर्टेंस लेटीट्यूड्स को देखे थे कि कौन कौन सा लेटीट्यूड्स होता है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल्स, एंड हम लोग पार्ट वन में हीट जोन्स को भी देखे थे। बट इन दिस वीडियो हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स देखेंगे। दैट मीन्स ये हो गया, इस वीडियो में हम लोग लॉन्गिट्यूड पे स्टडी करेंगे। क्लियर है? लाइक द इक्वेटर एन इमेजिनरी लाइन ऑल्सो डिवाइड द अर्थ इन टू द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जिस तरह हम लोग पार्ट वन वीडियो में देखे थे, इक्वेटर अर्थ को टू इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड करता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर। सेम लाइक एक इमेजिनरी लाइन होता है जो अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। दिस लाइन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। ये क्या होता है? प्राइम मेरिडियन होता है। जिस तरह हम लोग लर्न किए थे कि इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड एक होता है साउदर्न हेमिस्फेयर। सेम लाइक क्या होता है कि एक लॉन्गिट्यूड लाइन्स यानी वर्टिकल लाइन्स हमारे अर्थ पर इमेजिनरी लाइन है, जो क्या करता है, अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन। लंदन में एक ग्रीनविच है जगह का नाम, जहां से ये प्राइम मेरिडियन पास होता है, हैज बीन सिलेक्टेड एज प्राइम मेरिडियन, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वेटर का भी वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है, सेम प्राइम मेरिडियन का भी वैल्यू 0 डिग्री होता है। लेट्स सी द पिक्चर। आप इस पिक्चर को देखें, आप ये जो रेड कलर में देख रहे हैं, यही हमारा क्या है, प्राइम मेरिडियन है। ये हमारा क्या है, प्राइम मेरिडियन। अभी आप जहां कर्सर देख रहे हैं, इसी के नियर क्या है, इंग्लैंड है यानी लंदन है, तो यहीं से ये पास होता है, तो ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन जो है, यही हमारा क्या है, प्राइम मेरिडियन है। इट मीन्स ये हुआ कि हमारे अर्थ पर वर्टिकल लाइन यानी ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन ड्रॉन किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है इमेजिनरी लाइन, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड लाइन है। एंड जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, वही हमारा क्या है, प्राइम मेरिडियन है। आप ये जो लाइन देख रहे हैं ग्रीन कलर का, सॉरी रेड कलर का, यही हमारा क्या है, प्राइम मेरिडियन है। अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट प्राइम मेरिडियन। क्लियर है? लॉन्गिट्यूड हम लोग किसको कहेंगे, वर्टिकल लाइन हमारे अर्थ पर जो आप कर्सर देख रहे हैं, या फिर ये रेड कलर का जो है ना, या आप ये देख रहे हैं कर्सर, ये जो वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की जो लाइन है, इसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड लाइन कहेंगे। बट इस तरह जो लाइन अभी देख रहे हैं है ना, लेटा हुआ लाइन जो है, ये सब क्या है, लेटीट्यूड लाइन्स है। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। अब हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में देखेंगे।
द 180th लाइन इज वन लाइन, ये क्या है, वन लाइन ओनली है, एंड इट इज नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब क्या है, हम लोग पार्ट वन वीडियो में ये देखे थे, इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पर है एंड एवरी 1 डिग्री पर एक लेटिट्यूड लाइन है। तो इस तरह करके इन टोटल हमारा कितना लेटिट्यूड लाइन था, 180, बट अगर हम लोग इक्वेटर को इंक्लूड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 181। बट यहाँ क्या होता है, लॉन्गिट्यूड लाइन में, लॉन्गिट्यूड लाइन जैसे ये हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर है, तो इसी तरह करके एवरी 1 डिग्री पर 1 लॉन्गिट्यूड लाइन बनाया हुआ है, ठीक है, है ना, एवरी 1 डिग्री पर 1 लॉन्गिट्यूड लाइन है। तो इस तरह आप देखते हैं कि आप जानते होंगे, मैथ में पढ़ते होंगे, जब हम लोग एक राउंड अराउंड, अगर हम लोग सर्कल में जब हम लोग अराउंड घूम जाते हैं तो वो कितना डिग्री एंगल बनाता है, 360 डिग्री एंगल बनाता है, कितना बनाता है, 360 डिग्री यानी 360 डिग्री एंगल बनाता है। जब हम लोग एक पूरा सर्कल को अराउंड करते हैं तो कितना डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री यानी 360 डिग्री एंगल बनता है। सो 0 डिग्री पर 1 लॉन्गिट्यूड लाइन है, यानी प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर है। अभी जस्ट मैंने आपसे कहा कि एवरी 1 डिग्री पर 1 लॉन्गिट्यूड लाइन है, तो इस तरह करके कितना लॉन्गिट्यूड लाइन हो जाएगा, 360 यानी 360 हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड लाइन है। आप नहीं जानते हैं तो मेंशन कर लें आप अपने नोटबुक्स में, लॉन्गिट्यूड लाइन कितना है, आप लिख लें, देर आर 360 लॉन्गिट्यूड लाइन्स इन ऑन द अर्थ, क्लियर है, एंड देर आर 180 लॉन्ग लेटिट्यूड लाइन्स इन द अर्थ, क्लियर है, बट अगर इंक्लूड कर देंगे इक्वेटर को तो 181 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, लॉन्गिट्यूड लाइन कितना इन टोटल, 360, क्लियर है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। सो तो इंटरनेशनल डेट लाइन मीन्स ये हो गया। तो इसी तरह करके आप अभी जस्ट लर्न किए थे तो 180 तक पहुंचेगा, तो 180 का 180 डिग्री पर जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वही हमारा क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। अंडरस्टैंड, 0 डिग्री पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन जो हमारा है वो प्राइम मेरिडियन है, क्लियर है, बट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन हमारा क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। अंडरस्टैंड, आप नेक्स्ट क्लास में इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में डिटेल में स्टडी की करेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है। सिर्फ आप ये जानें कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। पार्ट वन वीडियो में आपने देखा 0 डिग्री लेटिट्यूड लाइन को क्या कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे, क्लियर है, आप ये याद रखेंगे, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंडिंग अ लोकेशन। अब क्या है, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ग्रो होता है, यानी हम लोग के माइंड में क्वेश्चन ग्रो होता है कि ये सब क्या जरूरत पड़ गया था, लॉन्गिट्यूड लाइन एंड लेटिट्यूड लाइन को ड्रॉन करने के लिए, है ना, इसका क्या नीड हुआ। तो मैंने आपको पार्ट वन वीडियो में बताया था कि स्टडी को इजी करने के लिए, यानी हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी इजीली कर सके, सो ये सब लाइन बनाया गया है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज इमेजिनरी लाइन वी लोकेट एनी प्लेस, हम लोग किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ दैट लोकेशन, क्लियर है। हियर यू सी, टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वी नीड बोथ द लाइन ऑफ लेटिट्यूड एंड द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इट मीन्स ये हुआ कि किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेटिट्यूड लाइन्स एंड लॉन्गिट्यूड लाइन बोथ चाहिए, क्लियर है। तो लेटिट्यूड लाइन्स एंड लॉन्गिट्यूड लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, जहाँ पे टकराता है, वही उस प्लेस का क्या होता है, लोकेशन होता है। तो लोकेशन को हम लोग डिनोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल
मुंबई इज ऑन 18°55' नॉर्थ लेटिट्यूड एंड 72°54' ईस्ट लॉन्गिट्यूड। डिमेंस ये हुआ कि मुंबई जो हमारा है, यानी हमारा मुंबई जो टाउन है, वो 80°55' नॉर्थ लेटिट्यूड में है एंड 72°54' ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। अंडरस्टैंड द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ मुंबई। यानी ये जो लेटिट्यूड लाइंस एंड लॉन्गिट्यूड लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप इस लॉन्गिट्यूड लाइन का अगर एग्जांपल आप लेंगे, है ना, तो आप अगर ये लेटिट्यूड लाइन एग्जांपल लेंगे तो ये दोनों, ये लॉन्गिट्यूड लाइन है लेटिट्यूड लाइन, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, टकरा रहा है, तो यहाँ पर इस शहर का क्या हो गया, ये लोकेशन हो गया। अंडरस्टैंड। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लेस को अर्थ पर लोकेट करते हैं। अंडरस्टैंड। सो वी कैन से दैट कि किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए भी हम लोग क्या किए, अर्थ पे लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन को ड्रॉ किए हैं। अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड टाइम देखेंगे। लॉन्गिट्यूड्स आर रिलेटेड टू टाइम। लॉन्गिट्यूड हमारा क्या है, टाइम्स रिलेटेड है। लॉन्गिट्यूड के हेल्प से ही, इट मींस विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड वी कैलकुलेट द टाइम ऑफ एनी प्लेस और एनी कंट्री, है ना। लॉन्गिट्यूड के हेल्प से ही हम लोग किसी भी प्लेस या किसी भी कंट्री के टाइम को कैलकुलेट करते हैं। द सन राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। हम लोग जानते हैं सन राइजेज होता है पर डे एंड सन सेट्स होता है एवरी डे। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और नेचुरली क्या है, सन ही हमारा क्या है, टाइम को कैलकुलेट करने का एक बेस्ट सोर्स है। क्लियर है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, All the places along this meridian will have midday or noon. It means ये हो गया prime meridian पे sun जो highest point पर रहता है तो वहाँ क्या होगा, उस area में यानी उस longitude prime meridian पे उस area में हर जगह क्या होगा, midday और noon रहेगा। The earth rotates from west to east. हम लोग जानते हैं, आप previous class में पढ़े होंगे, हमारा earth rotate करता है west to ईस्ट थ्रू आउट 360° इन 24 आवर्स। आप जानते हैं कि हमारा अर्थ रोटेशन करने में अप्रॉक्स टाइम कितना लेता है, 24 आवर्स टाइम लेता है, आप जानते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल कंप्लीट करने में 360° का एंगल बनता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 360° कंप्लीट करने में कितना टाइम टेकिंग किया अर्थ हमारा, 24 आवर्स। तो अगर आप 360 में 24 से डिवाइड कर देते हैं, आप करके देख लीजिए, तो आपको कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। कितना मिलेगा, 15। सो आप कह सकते हैं कि 1 आवर में कितना डिग्री क्रॉस करता है हमारा अर्थ, 15 डिग्री। जिस तरह 24 आवर में 360° कंप्लीट किया है एक रोटेशन हमारा अर्थ, उसी तरह 15° कंप्लीट करने में 1 आवर। क्लियर है। अब क्या है कि 1 आवर को अगर आप ये कंसीडर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 आवर को अगर आप मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 60 मिनट्स हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। 1 आवर को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना मिनट हो जाएगा, 16 मिनट्स हो जाएगा। तो 16 मिनट में अगर आप 15 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 4 मिनट्स मिलता है। सो वी कैन से दैट कि अर्थ 1° को क्रॉस करने में, 1° को कंप्लीट करने में 4 मिनट्स टाइम लेता है। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग
इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे टाइम के बारे में। क्लियर है? इसमें हम लोग सिर्फ इतना जान जा लिए हैं कि 360 डिग्री कंप्लीट करने में अर्थ कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स, 15 डिग्री कंप्लीट करने में 1 आवर, एंड 1 डिग्री कंप्लीट करने में 4 मिनट्स। क्लियर है? ये बात याद रखना है कि 1 डिग्री कंप्लीट करने में 4 मिनट्स, 15 डिग्री कंप्लीट करने में 1 आवर्स, एंड 360 डिग्री कंप्लीट करने में 24 आवर्स। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज लोकल टाइम। अब हम लोग लोकल टाइम के बारे में समझेंगे। नाम ही है लोकल टाइम, तो इससे समझने में और इजी है, आप नाम से समझ सकते हैं लोकल टाइम। द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस इज टेकन विथ रेफरेंस टू द टाइम व्हेन द सन इज राइट ओवर हेड और क्रॉसिंग द मेरिडियन, बट द सन कैन नॉट बी ओवरहेड एट द टू मेरिडियंस एट वन टाइम। आई थिंक आप नहीं समझे होंगे, मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। जस्ट सी, आप यहां देख रहे हैं एक अर्थ का पिक्चर। सपोज दैट, जस्ट इमेजिन कि आप ये जो आप ये देख रहे हैं ये लाइन, जस्ट इमेजिन कि यहां पर एक टाउन है जिसका नाम है क्या, ए। क्या नाम है? ए नाम है। जस्ट इमेजिन आप जहां पर भी कर्सर देख रहे हैं, यहां पे जो टाउन है, जस्ट इमेजिन दैट कि इसका नाम क्या है, ए है। क्लियर है? और आप ये मान लें कि ये जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड है। क्या है? जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड है। क्लियर है? तो सपोज दैट कि ये, सॉरी जीरो डिग्री नहीं, इसके मान लेते हैं वन डिग्री लॉन्गिट्यूड है। कितना है? वन डिग्री लॉन्गिट्यूड है। सपोज दैट कि ये हमारा, सपोज क्या, ये हमारा जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो सपोज दैट कि यहाँ पे 12 o'clock हो रहा है। कितना हो रहा है? 12 o'clock। अंडरस्टैंड? कितना टाइम हो रहा है? 12 o'clock। जस्ट इमेजिन कि यहाँ कितना टाइम हो रहा है? 12 o'clock हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग अभी इस लॉन्गिट्यूड लाइन को 1 degree कंसीडर किए थे। क्लियर है? अभी जस्ट हम लोग ये सीखे हैं, यहाँ पे अभी जस्ट हम लोग ये लर्न किए हैं कि 1 degree क्रॉस करने में 4 minute टाइम लेता है। क्लियर है? तो इट मीन्स ये हो गया कि जब ये 0 degree लॉन्गिट्यूड पर 12 o'clock हो रहा है, तो 1 degree लॉन्गिट्यूड पर कितना टाइम होगा? 12 4 मिनट, यानी 12:04। क्लियर है? तो ए शहर में कितना टाइम होगा? 12:04। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप ऐड क्यों किए हैं? जस्ट इमेजिन, आप ये जानते हैं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, राइट हैंड में ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड में वेस्ट। जब हम लोग लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो ऐड करते हैं टाइम। क्लियर है? जब हम लोग लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की तरफ यानी राइट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? टाइम को ऐड करेंगे, बट जब वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो माइनस करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिए थे 4 मिनट, दैट मीन्स ये हो गया 12:04। तो यहाँ पे जो 12:04 हो रहा है, यही इसका लोकल टाइम है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड्स, यानी अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड जो टाइम होता है वही हमारा क्या होता है? लोकल टाइम होता है। अंडरस्टैंड? क्लियर है? आप इस डिफिनेशन को नोट डाउन कर लें एंड बार बार देखें, देन आपको समझ में आ जाएगा, है ना? वी डू नॉट फॉलो लोकल टाइम बिकॉज इट वुड बी वेरी इनकन्वीनियंट व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एन ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। सपोज हम लोग लोकल टाइम को नहीं लेते हैं, सपोज दैट जैसे आप ये देख रहे हैं ये इंडिया है,
तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, गुजरात है तो यहाँ पर जो टाइम होगा तो वो लोकल टाइम होगा अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड, आप इस तरह जानते हैं, इस तरह अरुणाचल प्रदेश है, तो ये दोनों का टाइम डिफर कर जाएगा अगर हम लोग लोकल टाइम लेंगे तो। एक ही कंट्री में टाइम डिफर करेगा तो ये क्या होगा, इनकन्वीनियंट होगा, असुविधा होगा हम लोग को। सो क्या होता है कि हम लोग लोकल टाइम नहीं टेकन करते हैं, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड जो टाइम होता है उस प्लेस का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकल टाइम कहते हैं, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटेंडर टाइम। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम को समझना टू इजी है ना। अभी जस्ट आप लोकल टाइम को देख लिए थे कि लोकल टाइम को लोग टेकन नहीं करते हैं, तो क्या होता है किसी भी कंट्री में, जैसे अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो क्या होता है कि उस कंट्री के का जो अप्रॉक्सीमेट मिडिल में है ना, मिडिल में जो लॉन्गिट्यूड लाइन होता है उसको टेकन कर लिया जाता है पूरे कंट्री के लिए टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर बात करेंगे तो इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड 82°30′E जो हमारा है इज कंसिडर एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, यानी स्टैंडर्ड टाइम हमारा यही है। दैट मीन्स ये हमारा इलाहाबाद से पास होता है। अगर आपके पास मैप है तो आप मैप में देखें इलाहाबाद, आप देखेंगे तो इंडिया के लगभग अप्रॉक्स मिडिल से गुजरता है। किससे गुजरता है, मिडिल से। तो क्या होता है कि अभी जस्ट आप लर्न किए हैं कि लोकल टाइम अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, टाइम डिफर करेगा, क्लियर है। सो क्या होता है, कोई भी कंट्री एक टाइम टेकन करता है, यानी कंट्री में जो लगभग बीच का जो लॉन्गिट्यूड लाइन होता है तो उसको टाइम टेकिंग कर लिया जाता है स्टैंडर्ड टाइम, यानी पूरे कंट्री के लिए वही टाइम होता है। लेट्स सी इन इंडिया फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल में देयर इज अ डिफरेंट ऑफ अबाउट 2 आवर्स बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गुजरात। यानी अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं ये इंडिया हमारा है ना, जहाँ भी कर्सर देख रहे हैं तो ये गुजरात है, तो गुजरात से अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश में टाइम में इफ कंपैरिजन करेंगे तो अबाउट 2 आवर्स का डिफरेंट हो जाता है। तो आप जस्ट सोच सकते हैं कि एक ही कंट्री में 2 आवर्स का डिफरेंट रहेगा तो इनकन्वीनियंट होगा, यानी असुविधा होगा कोई भी चीज़ के बारे में स्टडी करने में, जैसे है ना ट्रेन टाइमिंग हो या कोई भी टाइम होगा तो वो दिक्कत होगा। सो क्या होता है, कोई भी देश जो उस कंट्री के लगभग मिडिल से जो लॉन्गिट्यूड पास होता है उसी को स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर कर लिया जाता है पूरे कंट्री के लिए। तो हमारे कंट्री में ये जो आप देख रहे हैं 82°30′E लॉन्गिट्यूड लाइन जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है और मिर्ज़ापुर आप कह सकते हैं, वही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है, क्लियर है। अंडरस्टैंड, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट इज टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या है, द इंटरनेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1884 यूएसए कंसीडर द सब्जेक्ट ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम। क्या हुआ कि 1884 में यूएसए में एक मीटिंग हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें क्या हुआ, स्टैंडर्ड टाइम टेकन किया गया। कंसिक्वेंटली द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स, यानी वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया ऑफ 1 आवर ईच। यानी अभी जस्ट आप देखे थे, आप यहाँ देखे थे 15 डिग्री पे, यानी 1 आवर पे है ना, 15 डिग्री क्रॉस करता है तो एवरी 1 आवर पे 1 टाइम जोन को कंसिडर किया, यानी एवरी 1 आवर पे एक टाइम जोन बनाया गया है। सो टोटल टाइम जोन कितना हो गया, 24 टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड, ईच जोन्स कवर्ड 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी प्रत्येक जोन जो है हमारा है वो कितना डिग्री लॉन्ग कवर करता है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्लियर है। बट क्या होता है, द लार्ज कंट्री जो हमारा है उसमें क्या होता है, मोर देन 1 टाइम जोन होता है। अ टाइम जोन इज अ रीजन कवरिंग 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड विच टेक्स 1 आवर टू पास इन फ्रंट ऑफ द सन।
रसिया विच स्प्रेड्स ओवर 170 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि रसिया अकॉर्डिंग टू एरिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो रसिया में कितना टाइम जोन है 11, क्लियर है। एंड यूएसए का भी एरिया बड़ा है, तो यूएसए में कितना टाइम जोन है 4, क्लियर है। इंडिया में एक ही टाइम जोन है, एंड पूरे टोटल वर्ल्ड में कितना टाइम जोन है 24, क्लियर है। अंडरस्टैंड, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट टाइम जोन्स, क्लियर है। नाउ टुडेज वर्क फॉर यू, हियर इज ओनली 5 क्वेश्चंस फॉर यू, फिल इन द ब्लैंक्स। आप इस क्वेश्चन को केयरफुली ऑब्जर्व करें, केयरफुली रीड करें एंड अपने नोटबुक से मेंशन करें, और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड देन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी आंसर दे सकते हैं, अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में आप आंसर दें, बट डोंट मेंशन योर नेम, है ना। आप अपना नेम को लिखना ना भूलें, एंड आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। आप आंसर नहीं देते हैं कमेंट बॉक्स में, इससे क्या होता है, हमारा हौसला नहीं बढ़ता है। अगर आप आंसर देते हैं तो हमें भी पता चलता है कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं क्लास करने में और कितना नहीं ले रहे हैं। सो आप आंसर ज़रूर दिया करें। ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।